morning. I am Dr. Sanjay Jain, Associate Professor in Mathematics at SPC Government College, Ajmer. Today we are taking 6th lecture on queuing theory. Before that, we are taking 5 lecture on queuing theory, in which we are taking introduction, some theorems, and first model MM1 Infinity FCFS developed. Today we are taking some example of queuing theory based on first model, taking here to discuss how to solve them. So, example on queuing models 1, model 1 means MM1 Infinity FCFS. MM1 means Poisson arrival, Poisson departure, and single service channel. Infinity means system capacity is infinity, and first come first serve models. So, जो यहाँ पे हमने सारे फॉर्मूले डेवलप किए थे फर्स्ट मॉडल के लिए और उनके वेरियस पैरामीटर्स यूज़ किए थे, वो कैसे हमारे एग्जांपल में काम आएंगे वो हम यहाँ देख रहे हैं. पहला एग्जांपल है, एक टीवी मैकेनिक द्वारा अपने कार्य को संपन्न करने के समय में चर घातांक की बंटन है जिसका माध्य 30 मिनट है. यहाँ क्वेश्चन लैंग्वेज में आप ध्यान देते जाएँ, टीवी ठीक करने के या संपन्न करने के अपने कार्य को का समय चर घातांक की बंटन है, यानी जो सर्विस देने का टाइम है वो एक्सपोनेंशियल है. यहाँ सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन बता रखा है, एक्सपोनेंशियल है. ओके, जिसका माध्य 30 मिनट है, सीधा उसका मीन दिया हुआ है आपको, इसको लैम्डा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये मीन है. जिस क्रम में टीवी सेट आते हैं उसी क्रम में मरम्मत किए जाते हैं, यानी जो पहले आ रहा है वो पहले ठीक होगा. यानी कि हमारा इस क्यू में जो सिस्टम है वो कैसा है, FCFS है. तथा सेट का आगमन जो अराइवल है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार है, यानी पॉइजन बंटन को फॉलो करता है अराइवल. तो जिसकी औसत दर, यहाँ भी एवरेज दे रखी है, 10 प्रति 8 घंटा, मतलब 8 घंटे में 10 ठीक होती है टीवी, जिसकी औसत दर 10 प्रति 8 घंटा है. यानी कि यहाँ पे जो शिफ्ट हमने बना रखी है वो 8 घंटे की बना रखी है, जिसमें वो मैकेनिक काम करता है और वो 10 ठीक करता है उसमें. एक चीज़ जो यहाँ हमें और देखनी है, यहाँ आवर्स में घंटे में दी हुई है यूनिट, और यहाँ पर आपको मिनट दिया हुआ है, माध्य जो सर्विस का वो मिनट और आर. तो यहाँ न्यूमेरिकल करते समय हमें, जैसा कि पहले से ही पता हमें, हर यूनिट एक जैसी होनी चाहिए, तो हमें या तो मिनट को आवर्स में चेंज करना पड़ेगा या आवर्स को मिनट में चेंज करना पड़ेगा. ओके, तो मैकेनिक के प्रतिदिन का प्रत्याशित यानी एक्सपेक्टेड व्यर्थ समय क्या है, कितना समय उसका बेकार जाता है. ओके, आने वाले कितने कार्य औसत से आगे हैं, दो चीज़ें हमसे पूछी है, एक तो व्यर्थ समय कितना है, दूसरा आने वाले कार्य औसत से कितने आगे हैं. ओके, अब जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ हम देख रहे हैं कि सारे जो डेटा दिए हुए हैं वो MM1 इन्फिनिटी FCFS पहले मॉडल के अनुसार है. एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉइजन अराइवल है, और लैम्डा म्यू दे रखे हैं हमें, चाहे वो एवरेज की फॉर्म में दे रखे हों कोई दिक्कत नहीं है. तो यहाँ पर प्रश्न अनुसार आप पहले निकाल रहे हैं म्यू दे रखा है एवरेज 30 पर मिनट, तो 1 मिनट में हो जाएगा 1/30, और मिनट को आवर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 60 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये आ जाएगा म्यू हमारा 2 सेट पर आर, हमने यूनिट आर में चेंज कर ली है. लैम्डा हमें दे रखा था 8 घंटे में 10 ठीक होते हैं, तो 1 घंटे में कितने होंगे, 10/8, जो सॉल्व होकर जाएगा 5/4 पर आर. तो हमने म्यू निकाल लिया, लैम्डा निकाल लिया एवरेज से, तो रो निकाल सकते हैं हम. रो की वैल्यू होती है लैम्डा बाई म्यू. लैम्डा की वैल्यू हमारे पास है, म्यू की वैल्यू हमारे पास है, एक ही यूनिट में है, वो हमने रख दिया. और जब हमने सॉल्व किया तो 5/8 क्या होगा, 1 से छोटा हुआ. इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर
जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, लेस देन वन है, इसका मतलब आने वाले कम हैं, सर्विस देने वाला ज़्यादा है, यानी कि वो फालतू बैठा रहेगा। ओके, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है लेस देन वन होने से कि यहाँ पे आइडियल टाइम एग्जिस्ट करेगा या व्यर्थ समय हमें जो निकालना है वो एग्जिस्ट करेगा। अगर ये एक से बड़ा होता, आने वाले ज़्यादा होते और सर्विस कम होती, कम रेट से होती, तो उसे ठीक करने में ही समय लगता ज़्यादा। तो यहीं से हमें पता चल रहा है लेस देन वन होने से कि एग्जिस्ट ऑफ आइडियल टाइम। ये चीज़ें किताबों में नहीं मिलेंगी आपको, ये हमें ही पहचाननी पड़ेंगी। ओके, अब हम देख रहे हैं कि हमें व्यर्थ समय निकालना है, तो हमें पहले ये देखना है कि किसी भी उसके पास कितने सेट नहीं होने की प्रायिकता क्या है, कि एक भी नहीं आए, वो खाली बैठा रहे उस समय, जिसको हम पी ज़ीरो कहते हैं। पी ज़ीरो होता है वन माइनस रो, एक भी सेट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी है, एक भी अराइवल नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। तो वन माइनस रो, रो की वैल्यू है 5/8, तो ये आ गया 3/8। तो 3/8 ऐसा समय आया है जिसमें किसी के भी आने की प्रोबेबिलिटी नहीं रहती है। ओके, तो अब व्यर्थ काल कैसे निकालेंगे हम? हमने कहा कि वो दिन भर में 8 घंटे काम करता है, उसकी जो शिफ्ट है वो 8 आवर की है, जो हमें दे रखा है सर्विस रेट या अराइवल रेट 8 प्रति 10, 10 प्रति 8 घंटे है ना। तो 1 घंटे में कितना उसको टोटल टाइम में कितना उसका वो होगा व्यर्थ समय, ठीक है। तो यहाँ हम 8 घंटे को एक दिन मानकर कि एक दिन में वो 8 घंटे काम करता है, तो एक दिन में 8 घंटे वाले दिन में उसका व्यर्थ समय कितना होगा। तो पी ज़ीरो को हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि उसको हमको पूरे दिन में 8 घंटे ही काम कराना है, 8 घंटे में वो कितना फालतू रहता है। तो 3/8 × 8, 8 से 8 कट जाएगा, तो 8 में से वो 3 घंटे फ्री रहता है, यानी 5 घंटे वो काम करता है, तो व्यर्थ समय हो गया 3 घंटे। ये पहला आंसर, प्रत्याशित व्यर्थ समय क्या है। इसके बाद है आने वाले कितने कार्य औसत से आगे हैं, यानी कि ये सीधा सीधा आपसे ELS पूछा है कि कितने उसके क्यू में खड़े हुए हैं आने वाले सर्विस लेंथ के, एक्सपेक्टेड सर्विस लेंथ क्या है जो उसके लिए तैयार खड़ी है कि उसे सेट ठीक करने के लिए होंगे। तो ELS का फॉर्मूला हम जानते हैं, हमने निकाल रखा है कल, जो हमने वेरियस पैरामीटर्स निकालते हैं उनमें लैम्डा अपॉन म्यू माइनस लैम्डा होता है, और लैम्डा और म्यू की वैल्यू हमारे पास है, वो इसमें रख देंगे, तो ये सॉल्व होके हमारे पास आ रहा है 1/2/3 सेट। ये वो सेट हैं जो एवरेज से आगे, उसके पास कितने औसत समय से आगे हैं, वो ये सेट हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन जिसमें हमने व्यर्थ समय निकाला और ELS निकाला। ओके, नेक्स्ट आ रहे हैं हम, ये एक बड़ा क्वेश्चन है, इसके कई पार्ट बनाए हैं जिससे ताकि हमारे सारे फॉर्मूले काम में आ जाएं। क्या है? एक टेलीफोन बूथ पे आने वाले फोन कॉल पॉइजन बंटन के अनुसार है, पॉइजन बंटन के अनुसार कॉल आ रही है। 2 क्रमागत कॉल का औसत अंतराल 10 मिनट है। यहाँ आप देखिएगा, कंटिन्यूस 2 कॉल आने में जो इंटरवल है वो 10 मिनट है। तो यहाँ 2 क्रमागत कॉल का अंतराल दे रखा है, जिसको हमने कहीं आपको ध्यान हो तो डिफाइन किया था इंटर अराइवल टाइम। ओके, 10 मिनट्स। एक फ़ोन कॉल की लंबाई जो उसे सर्विस दे रहा है, जितनी देर चलती है वो कैसा है, चर घातांक की बंटन है, वही एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी सर्विस जितनी देर वो फ़ोन पकड़ के बात कर रहा है वो चर घातांक की बंटन के अनुसार है, जिसका माध्य 3 पर मिनट है। ये आपका एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, सर्विस 3 पर मिनट, यानी कि कोई भी कॉल है तो एवरेज वो 3 मिनट तो बात होगी होगी, ठीक है। तो आपको क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी है, यहाँ पहले हम ये 3 क्वेश्चन दे रहा है। बूथ पर आने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतीक्षा करने की प्रायिकता क्या है, कितनी देर उसको वेट करना पड़ेगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा है, समय समय पर बनने वाली पंक्तियों की औसत लंबाई क्या है, एवरेज क्यू लेंथ कितनी है। ओके, लाइन लेंथ और क्यू लेंथ अपन पहले बात कर चुके हैं, यहाँ क्यू लेंथ चाह रहा है। तीसरा है, एक आने वाले ग्राहक को फ़ोन करने के लिए 3 मिनट प्रतीक्षा करने हेतु तसल्ली होने पर, 3 मिनट अगर उसे प्रतीक्षा करनी पड़े ऐसी तसल्ली होने पर, टेलीफोन विभाग द्वारा एक अन्य बूथ लगा देगा। 3 मिनट से ज़्यादा उसे वेट करना पड़ा तो उसके लिए एक बूथ और लगा देगा। ओके,
अन्य बूत का औचित्य बताना है आपको कि क्या लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, क्या आने वाले फोन कॉलों में कितनी वृद्धि आवश्यक है, 3 मिनट 4 मिनट वेट करने पर क्या लगा देना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, ये अपने को सॉल्व करके बताना है। ओके, ये 3 पार्ट हम पहले ले रहे हैं। पहला यहाँ हम देख रहे हैं 2 क्रमागत अंतराल में 10 मिनट हैं, तो एक औसत आगमन दर क्या हो जाएगी, 1/10, एक के आने में कितना हो जाएगा, 10 मिनट का वेट करना पड़ेगा, तो 1/10 पर मिनट औसत आगमन दर। और ऐसे ही औसत सेवा दर क्या हो जाएगी, 1/3। ओके, तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू हमने निकाल ली। ये वैल्यू निकाल के प्रोबेबिलिटी विल हैव टू वेट, वेट करने का मतलब कि सिस्टम में कोई ना कोई प्रेजेंट है तभी वेट कर रहा है, तो प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नहीं आने की P0 है, और सिस्टम में कोई बना हुआ हो इसका मतलब क्या हो जाएगी, 1-P0। तो 1-P0 किसके बराबर होता है, लेमडा बाई म्यू के। P0 की वैल्यू होती है 1-रो, जब आप यहाँ रखेंगे तो 1-1 कट जाएगा, रो रह जाएगा, और रो की वैल्यू होती है लेमडा बाई म्यू। ये लेमडा बाई म्यू की वैल्यू हम ऊपर से रख देंगे तो यह आ रहा है 0.3। ओके, तो ये समय है जिसमें उसे वेट करना है। दूसरा है पंक्ति की औसत लंबाई, कितनी देर उसे औसत लंबाई है, L such that L greater than 0। ओके, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, म्यू अपॉन म्यू माइनस लेमडा। तो यहाँ भी म्यू और लेमडा की वैल्यू रख दी हमने, तो ये आ रहा है 1.43 पर कॉल व्यक्ति जो अटेंड कर रहा है वो, तो 1.43 उसे वेट करना पड़ेगा अगले कॉल को रिसीव करने के लिए जाने के लिए। ओके, तीसरा क्वेश्चन थोड़ा चेंज है, यहाँ ये इन्वर्स प्रोसेस में है। एक ग्राहक का औसत प्रतीक्षा काल यानी ईडब्ल्यू क्यू का फॉर्मूला हमें मालूम है ये, किंतु क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि अगर 3 मिनट से ज़्यादा लगे तो हमें नेक्स्ट लगा देना चाहिए, एक और सर्विस स्टेशन बना देना चाहिए। तो ईडब्ल्यू क्यू अगर 3 मिनट तक है जब तक तो हम वेट कर सकते हैं, तो हमने 3 मिनट इसको मान लिया ईडब्ल्यू क्यू को। ओके, मीन अराइवल रेट 3 मिनट को मानते हुए मान लिया, नई जो मीन अराइवल रेट है वो लैम्डा डैश है। ओके, तो हमने इस फॉर्मूले में नई मीन अराइवल रेट निकालना चाह रहे हैं, 3 के लिए क्या नया लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, तो हमने इस फॉर्मूले में ईडब्ल्यू क्यू को 3 रखा, म्यू को वही वैल्यू रखी और लैम्डा डैश निकालना चाह रहे हैं, तो लैम्डा डैश आ रहा है 1/6। ओके, तो एक्चुअली लैम्डा और लैम्डा डैश, पहले लैम्डा था आपके पास 1/10, अब जो 3 मिनट रख के आ रहा है वो 1/6, तो वृद्धि कितनी हुई आगमन की, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, लैम्डा डैश की वैल्यू 1/6, लैम्डा की है 1/10, इसको सॉल्व किया तो 1/15 यानी 0.067 पर आगमन पर मिनट पर वृद्धि हो रही है। ओके, तो आगमन की वृद्धि कितनी होगी, 1/15 जो ये आ रहा है आपका आगमन की वृद्धि इनटू, इसको आवर्स में बदल रहे हैं इसलिए 62 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 पर आवर यानी 4 घंटे पे आपको 1/6 सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ग्राहकों की संख्या 4 ग्राहक प्रति घंटे में वृद्धि होती हो तो आपको अन्य बूथ लगाने का औचित्य है, 3 पे नहीं लगाना चाहिए, 4 ग्राहक पर घंटे में आपके पास एक्स्ट्रा आ रहे हो वेट कर रहे हो तो आपको एक और बूथ लगाना चाहिए। तो ये 3 पार्ट हमने क्वेश्चन के लिए और कैसे कैसे किए हैं, फॉर्मूले सारे हम पहले पढ़ चुके हैं और ये एक इन्वर्स टाइप क्वेश्चन था जो हमने लिया था। अब इसी के और पार्ट हैं क्वेश्चन के, ये पार्ट है इसका डी, फोन तथा बात पूर्ण करने में ग्राहक को 10 मिनट से अधिक समय लगने की क्या प्रायिकता होगी, यानी कि कस्टमर को 10 मिनट से ज़्यादा देर वेट करना पड़े इस चीज़ की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ये निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राहक को फोन उपलब्ध होने से पूर्व 10 मिनट से अधिक प्रतीक्षा करने की क्या प्रायिकता है। इस क्वेश्चन में देखिएगा आप, ग्राहक को फोन के उपलब्ध होने से 10 मिनट से अधिक प्रतीक्षा करने की, प्रतीक्षा करनी है यहाँ पे, वहाँ 10 मिनट बात कर रहा है, यहाँ वेट कर रहा है अगला। ओके, से अधिक प्रायिकता क्या होगी। और लास्ट है, फोन के कार्यरत होने के समय दिन का आप फ्रैक्शनल पार्ट ले सकते हैं का अनुमान लगाइए। ओके, तो पहला डी पार्ट ले रहे हैं हम, निकाय में प्रतीक्षा काल
वो क्या होना चाहिए, 10 से बड़ा या 10 के बराबर प्रतीक्षा करने का काल। तो ये हो जाएगा आपका 10 से इन्फिनिटी म्यू माइनस लैम्डा ई की पावर माइनस म्यू माइनस लैम्डा डब्ल्यू डी डब्ल्यू। ओके, तो यहाँ पे हमने म्यू लैम्डा सब वैल्यू मालूम है, वो सब्स्टिट्यूट कर दी, तो ई की पावर माइनस 2.33 आ रहा है, जिसका वैल्यू हम एक्सपोनेंशियल टेबल से निकाल के देख सकते हैं, दैट इज़ 0.10। ओके, ये हमारी प्रतीक्षा काल हो गया। फिर है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रतीक्षा काल निकाय का नहीं कस्टमर का ग्रेटर देन 10, वो होता है शाई डब्ल्यू डी डब्ल्यू ओनली। शाई डब्ल्यू की वैल्यू रख दीजिए और उसमें लैम्डा म्यू रख दीजिए और ये सारा रख के ये जो वैल्यू आ रही है आपकी वो भी ई में आ रही है और 2.33 आ रही है। या तो ये आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा 2.33 की वैल्यू क्या है, या आपने अभी ऊपर निकाली है 0.10, वो आप वापस सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो 3/10 इंटू 0.10 दैट इज़ 0.03। तो कस्टमर को 10 मिनट से ज़्यादा वेट करना पड़े, दैट इज़ 0.03। लास्ट है फ़ोन के व्यस्त रहने का समय दिन की बिन के अनुसार, यानी ट्रैफिक इंटेंसिटी आपको निकालनी है लैम्डा बाई म्यू। ओके, लैम्डा बाई म्यू की वैल्यू रख दीजिए आप, ये आ रहा आपका 0.3। तो ये डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन अलग अलग फॉर्म में आपसे पूछे थे और उनके लिए कैसे कैसे फार्मूले लगे हैं आपको ज़्यादा इसमें देखने में मिला होगा। जो कल हमने मेज़र ऑफ इफेक्टिवनेस और वेरियस पैरामीटर पढ़े थे वो सारे हमसे किसी न किसी रूप में क्वेश्चन की फॉर्म में पूछे जा रहे हैं, उनको हम लगा के सॉल्व कर रहे हैं। ओके, एक और क्वेश्चन हम ले रहे हैं। एक हमने टेलीफोन का लिया था लास्ट वाला, उससे पहले हमने टीवी मैकेनिक का लिया था, अब हम एक रेलवे का ले रहे हैं। एक रेलवे मार्शलिंग यार्ड है, एकत्रीकरण या रेलवे इकट्ठी होती हैं, प्रतिदिन 30 मालगाड़ियाँ वहाँ पे आती है, यानी अराइवल 30 उसका लैम्डा से अराइवल बता दिया है आपको। मान लें कि आंतरिक आगमन समय इंटर अराइवल टाइम और सेवा समय जो आपका सर्विस टाइम है वो दोनों ही कैसे हैं, चर घातांकी बंटन या एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार हैं। तो ये सारे आपको देख के ही लग रहा है कि ये पहले मॉडल के अकॉर्डिंग दे रखा है, जिसका माध्य 36 मिनट है। यहाँ भी आप देखें 36 मिनट में दिया है। ओके, तो आपको क्या क्या चीज़ें निकालनी है इसमें। पहला आपसे पूछा मीन क्यू साइज, और आगे ब्रैकेट में लिख रहा है लाइन लेंथ, पंक्ति की माध्य लंबाई या रेखा की लंबाई आपसे पूछी है। ओके, सेकंड क्वेश्चन है कि सिस्टम में 10 से अधिक बढ़ने की प्रायिकता क्या होगी। द प्रोबेबिलिटी दैट द क्यू साइज एक्सीड 10, 10 से बड़ी होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ओके, यहाँ पर आपको माध्य आगमन दर लैम्डा दे रखा है, 30 गाड़ियाँ प्रतिदिन आ रही है, तो हम 30 गाड़ियाँ प्रतिदिन, दिन को पहले करेंगे हम आवर में चेंज और आवर को करेंगे मिनट्स में चेंज, तो 30/60 × 24। ओके, तो ये गाड़ियाँ पर मिनट आपके पास आ गई हैं, 1/48 माल गाड़ियाँ पर मिनट, 60 आपका मिनट में कन्वर्ट करने के लिए, 24 आपका दिन का आवर में कन्वर्ट करने के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद माध्य सेवा दर म्यू दिया हुआ है आपको 36, तो माध्य है तो सेवा दर हो जाएगी 1/36 माल गाड़ियाँ पर मिनट। तो म्यू आ गया आपके पास, लैम्डा आ गया, तो आप रो निकाल सकते हैं, रो इज़ 3/4। ओके, अब आपका यहाँ पर माध्य पंक्ति अमाप यानी एक्सपेक्टेड लाइन लेंथ कितना सिस्टम में होगा, ELS, जिसका फार्मूला होता है ρ/1 - ρ। तो ये रो की वैल्यू रख दीजिए आप, 3 माल गाड़ियाँ ELS कहलाएगी आपकी। ए वाला आंसर कि मीन क्यू साइज लेंथ कितना होगा या लाइन लेंथ 3। ठीक है, इसके बाद है प्रोबेबिलिटी कि आपका जो पंक्ति का अमाप या आने की जो उसकी साइज़ है वो 10 से ज़्यादा हो। ओके, तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था आपको ध्यान है, तो उसमें ये था कि ये होता है रो की पावर एन के बराबर, जितना आप एन लेंगे, ध्यान हो तो मैंने आपको वहाँ बताया भी था कैपिटल एन स्मॉल एन किसके लिए, यहाँ कैपिटल एन फाइनाइट लेते थे हम जो 10। ओके, तो रो की पावर 10 हो जाएगी, रो था 3/4 उसकी पावर 10, तो ये सॉल्व करा हमने, तो दैट इज़ 0.06। तो यहाँ पर 10 से अधिक बढ़ने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0.06 होगी।
तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा। तो आपको जो जो हमने मेज़र पढ़े हैं इफेक्टिव मेज़र, उनसे रिलेटेड चीज़ें देख के कहाँ पे क्या पूछ रहा है ये करना है, और बचे हुए क्वेश्चंस की आपको और प्रैक्टिस करनी है। तो ये तीन न्यूमेरिकल आज हमने करे हैं। तीन न्यूमेरिकल के कई पार्ट भी, जैसे पहला क्वेश्चन था ट्यूब मैकेनिक वाला, तीन पार्ट थे। दूसरा हमने ये लिया हमने जिसके छः पार्ट थे, छः पार्ट को हमने सॉल्व किया। और तीसरा जो मैं फिर क्वेश्चन लिया हमने रेलवे का, उसके दो पार्ट हैं। तो इस तरह से हमने 3, 6, 9 और 2, 11 तरह के फॉर्मूले जो हमने कल इफेक्टिव और मेजरनेस पढ़े उनसे कैसे यूज़ किया है वो देखा है। तो अब आपके लिए ये एक होमवर्क है कि आप इस तरह के और क्वेश्चन क्यूइंग थ्योरी से लेके सॉल्व कर लें। इसमें हमने एक दो इन्वर्स टाइप के क्वेश्चन भी ले लिए हैं कि उल्टा दिया हुआ हो तो कैसे सॉल्व करना है। तो आज के लिए इतना ही। ये न्यूमेरिकल सारे क्यूइंग मॉडल 1 के आप कर लीजिएगा। अब इससे अगले लेक्चर में हम अगले क्यूइंग मॉडल के लिए बात करेंगे। थैंक यू।